हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस और डी आयनाइजेशन प्रोसेस। और मजे की बात ये है कि ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। तो आप इस प्रोसेस को डी आयनाइजेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं, आयन एक्सचेंज प्रोसेस भी कह सकते हैं, डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो हमें पता है कि वाटर के अंदर हार्डनेस होती है और उस हार्डनेस की वजह से ना तो हम पानी को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ना इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो उस हार्डनेस को रिमूव करना पड़ेगा। उस रिमूव करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टनिंग मेथड्स अपनाने पड़ते हैं। उस सॉफ्टनिंग मेथड में सेकेंड मेथड है हमारा डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। और इसकी और भी प्रोसेस मेथड्स होते हैं, तो हमारे सिलेबस में है लाइम सोडा प्रोसेस, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस, जिसके बारे में आज बात कर लेंगे, और जियोलाइट प्रोसेस, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द कम्प्लीट रिमूवल ऑफ कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन वॉटर, ठीक है। तो डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, पानी के अंदर जो भी हार्डनेस क्यूजिंग सब्सटेंस होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है CaSO4, यानी कि हमने पढ़ा है कि पानी के अंदर मेन इम्पोर्टेंट हार्डनेस क्यूजिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट, ठीक है, उनके आयन। जो भी हार्डनेस क्यूजिंग सब्सटेंस है जैसे कि CaSO4 है, तो ये एक पोर्शन जो हो गया वो कैटायंस और ये एक पोर्शन हो गया एनायन, ठीक है। इसी तरह से कोई भी आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल CaCO3 है, तो ये Ca+ ये जाएगा हमारा कैटायन और CO3- ये जाएगा हमारा एनायन, ठीक है। तो चाहे वो कोई सा भी सब्सटेंस हो, उसको हम दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा कैटायन और एक होगा एनायन। तो अब यहाँ पे डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस का करता है ना कि कैटायंस को रिमूव करने के लिए अलग मेथड अपना लेता है, जिससे कैटायंस रिमूव हो जाते हैं, और एनायन को रिमूव करने के लिए अलग मेथड अपना लेता है, जिससे एनायन रिमूव हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है आयन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर, कि कैटायंस को और एनायंस को दोनों को अलग अलग रिमूव कर लिया जाता है। उनको रिमूव करने के बाद वॉटर का जो हार्डनेस क्यूजिंग सब्सटेंस है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इसी थ्योरी के ऊपर काम करता है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो चलिए इसके हम प्रोसेस को समझते हैं कि किस तरह से कैटायंस और एनायंस का रिमूवल होता है। इन आयन एक्सचेंज प्रोसेस रेजिंस आर यूज्ड व्हिच कंप्लीटली रिमूव कैटायंस एज वेल एज एनायन फ्रॉम वाटर। तो कैटायंस और एनायंस के रिमूवल के लिए क्या यूज होता है, रेजिन यूज करते हैं, ठीक है। रेजिंस क्या होगा आगे पढ़ेंगे हम। तो रेजिंस क्या करता है कि कैटायंस को और एनायंस को रिमूव कर सकता है जो भी वॉटर के अंदर प्रेजेंट है। जनरली रेजिंस आर ऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन एंड इनसॉल्युबल पॉलीमर्स। तो रेजिंस क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और इनसॉल्युबल पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, विच हैव सम फंक्शनल ग्रुप और फोर आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टीज। तो रेजिंस क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, इनसॉल्युबल पॉलीमर्स हो सकते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, जो क्या करते हैं आयन्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जैसे फंक्शनल ग्रुप के साथ आयन कैटायन जुड़ा हुआ, तो अपने कैटायन को हार्डनेस क्यूजिंग सब्सटेंस का जो कैटायन है उससे एक्सचेंज कर लेगा। उसी तरह से कुछ रेजिन ऐसे होंगे जिन जो अपने अनायन को हार्डनेस क्यूजिंग अनायन से रिप्लेस कर देगा, तो इसी तरह से हार्डनेस क्यूजिंग सब्सटेंस रिमूव हो जाएगा। दीज रेजिन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू, ठीक है। तो रेजिन्स कितने तरह के होते हैं, दो, कैटायन एक्सचेंज रेजिन RH+। R मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप है इसका, H+ यानी कि ये कैटायन है, किसका, इस रेजिन का। H+ क्या है, कैटायन है, ठीक है। एनायन एक्सचेंज रेजिन में ROH-, R वापस से फंक्शनल ग्रुप है और OH- क्या है, इसका एनायन है, ठीक है। कैटायन एक्सचेंज रेजिन हैव फंक्शनल ग्रुप सच एज
C-double-O-H, SO3H, which exchange H plus ion, cation, with other cations present in water. So, cation exchange resin kya hai? R, H plus. ठीक है, तो वो अपने H plus आयन को cation के साथ रिप्लेस कर देता है. और इसका एग्जाम्पल है styrene, diamine, benzene, copolymer. एग्जाम्पल है, कोई भी आपसे पूछ सकते हैं कि cation exchange resin का नाम बताएं, तो आपको ये लिखना है. अब anion exchange resin क्या होता है? Have functional groups such as NH2 double bond NH. ठीक है, इस तरह फंक्शनल ग्रुप होते हैं. As hydroxide and hydrochloride. ठीक है, which exchange their anions with other anions present in water. तो anion exchange resin में क्या आता है? R OH minus. OH minus इसका anion है. कि अपने anion यानी कि OH को किसी hardness switching substance से उसके anion से replace कर लेता है. ठीक है, तो इस तरह से cation और anion दोनों remove हो सकते हैं. अभी तो बस हमने यही बात करी कि क्या होता है ये ion exchange process. इसके लिए हम ये resins use करते हैं, cation exchange process and anion exchange. तो ये किस तरह से रिमूव करते हैं cations को? रिमूव नहीं करते, बस एक्सचेंज कर लेते हैं. ठीक है, फिर उसको बाद में हम अलग उन जो cations और anions का है वो हम अलग कर सकते हैं. तो resins क्या करते हैं? अपने cations को hardness switching cations के साथ और अपने anions को hardness switching anion के साथ तो रिप्लेस कर लेते हैं. तो चलिए आगे इसका प्रोसेस करते हैं. तो इसके प्रोसेस में जो ये डायग्राम है वो आप डायग्राम यहाँ से देख सकते ताकि अच्छे से समझ में आए, क्लियर होगा. प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस देयर आर टू कॉलम्स फॉर कैटायन एक्सचेंज एंड अनायन एक्सचेंज. इस प्रोसेस के अंदर टू कॉलम्स हैं, कैटायन एक्सचेंज के लिए और अनायन एक्सचेंज के लिए. ठीक है, हार्ड वाटर पासेस फर्स्ट फ्रॉम कैटायन एक्सचेंज रेजिन. तो यहाँ से हार्ड वाटर पास कर रहे हैं, सबसे पहले किस में जाएगी? कैटायन एक्सचेंज रेजिन के अंदर जा रही है. तो इट रिमूव्स cation like C2+ and Md2+. ठीक है, अब सुनिए, हमने ये पढ़ा है कि मेनली हार्डनेस स्विचिंग सब्सटेंस कौन सा होता है? वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हार्ड वाटर को cation एक्सचेंज रेजिन के अंदर भेजा जाता है. तो क्या होता है, देखिए, ये R-H+, ये क्या है? हमारा रेजिन है. ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है R की जगह पे, लेकिन ये cation तो H+ ही रहेगा. अब उसके साथ हमने क्या भेजा? जैसे कि हमने कोई भी कैल्शियम की सॉल्ट्स भेजी थी, यहाँ पे देखें आप, ये टू, ये तो बैलेंस करने के लिए है, तो मैं बैलेंस करना नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कैसे एक्सचेंज होता है. तो कोई भी मान लें CaCO3 है. ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो रेजिन है ना, ये अपने कैटायन को तो हटा देगा, और इसका कैटायन कौन है? ये है इसका कैटायन. ठीक है, ये प्लस ये माइनस, इसके कैटायन से इसको रिप्लेस कर देगा. ठीक है, और यहाँ पे HOC3 अलग हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से कुछ प्रोसेस होता है. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी रेजिन था उसने अपने कैटायन यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया, जो भी हाइड्रोस्क्यूजन सब्सटेंस का कैटायन है उससे. तो यहाँ पे हमें मिल गया रेजिन किसका, किसके साथ? कैल्शियम के साथ, और हाइड्रोजन अलग हो गया. उसी तरह से मैग्नीशियम का भी सेम एग्जाम्पल है कि अगर मैग्नीशियम के सॉल्ट से मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ भी ऐसे करेगा. After the removal of cations, water passes through anion exchange column. It removes anions like Cl- or SO4- CO3. ठीक है, अब यहाँ से पास हो गया वाटर, इसके तो यहाँ से क्या cations रिमूव हो गए. रिमूव होने के बाद पानी में अब क्या बचे? सिर्फ anion. इस पानी को अब पंप आउट कर दिया जाता है इसके अंदर, anion exchange resin के अंदर. anion exchange resin के अंदर क्या होता है? सेम वही बात है कि ये अनायन एक्सचेंज रेजिन है. ठीक है, आर प्लस ओएच माइनस है, इसके अंदर कोई भी मतलब हम हार्डनेस स्विचिंग सब्सटेंस है तो CaCl ले लेते हैं. मैं इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहा, मैं बस एकदम समझाने के लिए कर रहा हूँ. इसमें ये कैटायन या अनायन है, तो ये क्या करेगा? अपने अनायन को इसके अनायन के साथ रिप्लेस कर देगा. क्या होगा? RCl, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा H2O एक तरह से कह सकते हैं. ठीक है, तो क्या करेगा ये anion? ये रेजिन है, R+ हमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, OH- माइनस इसका anion है, तो ये अपने anion को इसके anion के साथ रिप्लेस कर देगा और इसको सेपरेट कर देगा. ठीक है, उसका anion exchange रेजिन हो गया.
अब यहाँ पे क्या होता है, कटाइन तो पहले रिमूव हो गए थे, यहाँ पे अनायन रिमूव हो गए, अब पानी के अंदर कोई भी हार्ड डिस्क सब्सटेंस नहीं है, अब इस पानी को सल्फरों को बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। The H plus ion released from cation, ठीक है, and OH minus combined to form H2O. अब देखिए क्या हुआ था कि यहाँ पे हमने जब कटाइन से पास कटाइन रिमूवल बेड से पास किया था तो यहाँ पे हमारे H आ गया बच रहा था, और जब अनायन रिमूवल के लिए भेजा था तो हमारे OH बच रहा था, तो ये दोनों मिलके बाद में क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं, फिर पानी बना लेते हैं। After the removal of cations and anions, generation should be done. तो ये तो प्रोसेस यहाँ तक, अगर आपसे भी ये जानना चाहता है कि सॉफ्टनिंग कैसे है, तो आप यहाँ तक पढ़ना एफिशिएंट है आपके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट हो चुका है वाटर, वाटर हमने बाहर निकाला, लेकिन अब क्या होता है रीजनरेशन, यानी कि एक तरह से हम किसी से रिचार्ज करना पड़ेगा हमें, क्यों समझिए इस बात को, क्योंकि रेजिन है हमने उसके अंदर फिक्स कर रखा है, रेजिन इस बेड के अंदर हमने क्या लगा रखा है, रेजिन्स और भर रखे हैं, ठीक है। रेजिन्स थोड़े समय बाद क्या होगा कि रेजिन्स के अंदर जो भी कि इसने अपने कटाइन को एक्सचेंज किया ना, एच को एक्सचेंज किया इसके कटाइन के साथ, थोड़े समय बाद रेजिन के पास अब हाइड्रोजन बचेंगे ही नहीं एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि सारे भी जो रेजिन होंगे ना वो अपने हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर चुके होंगे, उसी तरह से अनायन में सारे जो रेजिन होंगे वो अपने OH- यानी अनायन को एक्सचेंज कर चुके होंगे, तो उनके पास एक्सचेंज करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर आगे का सॉफ्टनिंग में से मेथड कैसे कंटिन्यू होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा हमें वापस इसको, जो हमारे पास ये आर टू सी एल बना था ना, तो अब तो क्लीन हो गया वाटर, तो हमने क्लीन करके बाहर निकाल, इसको वापस हमें किस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर एच प्लस में, यानी कि हमें वापस रेजिन को उसके पहले वाले फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी कि रिचार्ज करना पड़ेगा। तो कटाइन के रिचार्ज के लिए हम यूज करते हैं रीजनरेशन ऑफ कटाइन एक्सचेंज कॉलम है डन बाय द पासिंग HCl H2SO4। तो कटाइन्स का रिचार्ज कैसे होता है, HCl अगर हम पास हमें क्या करना है, इस बेड से हमें बस HCl पास कर देना है, ओनली HCl। HCl जब हम पास कर देंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास बच रहा था R2Ca, ठीक है, अब यहाँ पे HCl पास करेंगे तो ये वापस रेजिन बन जाएगा R-H+, और ये Ca2+ बच अलग रहेगा। रीजनरेशन ऑफ एनायंस, एनायंस के लिए हमने क्या एक्सचेंज किया, तो OH- एक्सचेंज किया, तो हमें कौन सा कंपाउंड चाहिए रिचार्ज के लिए, NaOH चाहिए, इसके इसलिए हम इसमें कटाइन हमने क्या एक्सचेंज किया था, H+, तो आप इस जब रिचार्ज करने के लिए तो क्या HCl यूज किया, इसमें NaOH यूज किया, तो यहाँ पे जब NaOH यूज करेंगे तो ये वापस रेजिन जो पहले था वो बन जाएगा, ठीक है। आफ्टर द रीजनरेशन कोलम आर वॉश्ड विद सॉफ्ट वाटर वॉशिंग कंटेन, देखो अब रीजनरेशन हो गया ना, तो उसको वापस ये कॉलम से ना इन सबको सॉफ्ट वाटर से हम क्या कर लेंगे, वॉश कर लेंगे, तो जो भी ये बच रहा था Ca2+ और SO4-, इन सब ये जो भी इम्प्यूरिटीज बचेगी ना वो बाहर रिमूव हो जाएगी, ड्रेन आउट कर लेंगे, देखिए यहाँ पे ड्रेन आउट हो गया, और ये जो है ना ये HCl पास करने के लिए, देखिए HCl यहाँ से पास किया कैटायंस के लिए और NaOH पास किया अनायंस के लिए, ठीक है, ताकि ये अब वॉश होने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो भी Ca+ Ca2+ Mg2+ जो भी वो बच रहे सोर्स इस सिंक से ड्रेन आउट कर लेंगे। एक बार मैं आपस कंबाइन कर लेता हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे हम हार्ड वाटर को जब हम डालते हैं, सबसे पहले किसमें डालेंगे, कटाइन एक्सचेंज बेड से, तो इसमें कटाइन एक्सचेंज भरे होते हैं, यानी कि आर एच प्लस भरा होता है, ठीक है। तो जब इसके अंदर से वाटर गुजरता है तो जो भी इसके मान लो इसके अंदर CaCl+ है, तो इसके अंदर जब वाटर जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने कटाइन को रिप्लेस कर लेगा वाटर के अंदर जो भी हार्डनेस की सब्सटेंस है उसके कटाइन से, ठीक है। तो ये बन गया, अब इसके बाद पानी कहाँ जाएगा, अब यहाँ पे ये इसमें ही रह जाएगा, इस बेड के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। अब हमारा जो पानी है वो इसमें चला जाएगा, बेड के अंदर ओनली फॉर क्या बचा है, पानी के अंदर ओनली फॉर क्या बचा है, ओनली फॉर बचा है क्या, अनायन बचा है Cl, ठीक है। जब हम इसको इसमें से डालते हैं तो ये अनायन में क्या होता है, ROH-, तो ये अपने अनायन को इसके अनायन से रिप्लेस कर लेता है, तो रिप्लेस करने के बाद इसके पास क्या बचता है, RCl ये बनेगा, ठीक है। तो अब वापिस ये बेड में ही रहते हैं ना, जिस तरह से ये बेड में था उसी तरह ये बेड में रहते हैं, और पानी जो सॉफ्ट हो जाता है पानी को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या होता है ना कि जब एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी कि अब इनके पास जब रेजिन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब ये बच रहा है ओनली फॉर, ये बच रहा है इसके अंदर और ये बच रहा है इसके अंदर, तो अब उनके पास हाइड्रोजन है नहीं और OH है नहीं उनको रिप्लेस करने के, तो हम उनको रिचार्ज करते हैं, किसी से रिचार्ज करते हैं, RH बनता है और इसको OH से रिचार्ज NaOH से करते हैं, तो यहाँ पे ROH
बचता है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे क्लोरीन जब अलग हो जाता है और यहाँ पे कैल्शियम जब अलग हो जाता है तो इसको हम वॉश कर लेते हैं और सिंक से बाहर निकाल लेते हैं, बस यही प्रोसेस है आयन एक्सचेंज प्रोसेस का। इसके एडवांटेज क्या है, हाईली एल्काइनिक एसिडिक वाटर कैन बी ट्रीटेड। अगर पानी बहुत ज्यादा एल्काइन है और एसिडिक है तो उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। द वाटर ऑफ वेरी लो हार्डनेस 2 ppm इज ऑब्टेन्ड, बहुत ही लो हार्डनेस वाला वाटर हमें ऑब्टेन्ड होता है, यानी कि पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि वाटर जो है वो हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, केमिकल्स एंड इक्विपमेंट आर कॉस्टली, केमिकल्स बहुत कॉस्टली है बेसिकली। वाटर कंटेनिंग टर्बिडिटी कैन नॉट बी ट्रीटेड, तो करवाहट जो होती है वाटर की वापस ट्रीट नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बात करी आयन एक्सचेंज प्रोसेस के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है।